चलिए आगे बढ़ते हैं। आज दुनिया भर में ईद उल अजहा मनाई जा रही है, वहीं कश्मीर में 370 से आजादी वाली ईद पर खुशियों की कमी नहीं थी। ईद का त्योहार है, घाटी गुलजार है, पहली बार कश्मीर में 370 से आजादी वाली ईद। हम आपसे ये बातें यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि पिछले 7 दिन से हो रही ग्राउंड रिपोर्टिंग और कश्मीर के लोगों से बातचीत के आधार पर हमें जो बातें पता चली हैं, वही सच हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले जम्मू से लेकर श्रीनगर तक अमन वाली ईद की ताजा तस्वीरें देखिए। लाल चौक पर हालात सामान्य, श्रीनगर में ईद पर खुली दुकानें, श्रीनगर में एटीएम से पैसे निकालते लोग, पुंछ में भी हालात सामान्य, गांधरबल में दुकानों के बाहर भीड़ और किश्तवाड़ में दवा खरीदते लोग। ये तस्वीरें ये बताती हैं कि कितने सामान्य हालात कश्मीर में हैं। ईद को लेकर लगातार यहाँ पर लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने घर में सामान खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, और जो चीज़ें यहाँ पर बिक रही हैं आप रोड साइड साफ तौर से देख सकते हैं। फलों की दुकानें खुली हुई हैं, बेकरी की दुकान खुली हुई है, मिठाइयों की दुकान यहाँ पर खुली हुई हैं, और हर कोई अपने घर से निकल रहा है और ख़रीदारी कर रहा है। ये साफ तौर से बताता है कि श्रीनगर में हालात ठीक है, कश्मीर घाटी के हालात ठीक है। कोई परेशानी नहीं, हमें तो अभी तक तो कोई परेशानी नहीं। ईद अगर भी खुशी से बनाते हैं, आजादी से बनाते हैं, करवानी के बकरे आए हैं, लोग खरीदते हैं, करवानी देते हैं, आराम से, कोई खुशी हमें नुकसान नहीं। कोई आर्मी ने या पुलिस ने यहाँ पे अच्छा रोल अदा किया है, यहाँ पे लोगों को तंग नहीं किया, दफ़ा 144 लगाया और लोगों को ऐसे हरासमेंट नहीं किया। बकरे शकरे खरीद रहे हैं, माल छाल खरीद रहे हैं, तो बाकी तो ठीक है, जम्मू तो ठीक ही है। खुशियों की कमी तो नहीं है कोई भी, 144 था वो हट गया कल से, तो अब तो ठीक ही है। जम्मू के स्थानीय लोग सामान खरीद रहे हैं, खाने पीने के चीजें खरीद रहे हैं, और जम्मू में सब ठीक है, खुशियों की कोई कमी नहीं है। जम्मू कश्मीर के हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, शिया हो, पहाड़ी मुसलमान हो, गुजर बकरवाल हो, ये सब एक होके रहेंगे और ये सब भारतीय हैं। सच यही है कि कश्मीर में टेलीफोन और इंटरनेट सेवा अब भी भले ही चालू ना हुई हो, लेकिन ईद को देखते हुए कश्मीर में प्रशासन की तैयारी शानदार है। छुट्टी के दिन भी बैंक खुलेंगे, एटीएम चालू रहेगा, घरों में जरूरी सामान भेजा जा रहा है, एलपीजी सिलेंडर और सब्जियां भेजी जा रही हैं। ईद पर कश्मीर में 350 राशन की दुकानें खुली रहेंगी। इस बीच कर्मचारियों का वेतन भी जारी किया गया है। कश्मीर में हालात फिलहाल नियंत्रण में है। बकरीद को लेकर प्रशासन की तैयारियां हर तरह से पुख्ता हैं, इंतजाम दुरुस्त हैं। त्योहार के मौके पर कुर्बानी के बकरों की कमी ना हो, इसके लिए प्रशासन ने पहले से खास इंतजाम कर रखे हैं। जगह जगह मंडियां खोली गईं ताकि लोग अपनी पसंद के बकरे कुर्बानी के लिए खरीद सकें। हमने 6 के लिए बोला था कि हम श्रीनगर में ही खोलेंगे, लेकिन यहाँ पे 9 जगह पे हमने जो है वो सेल चालू रखी है मंडीज बना के। इसी तरह सारे डिस्ट्रिक्ट में हमने हर जगह 2 से 3 मंडियां खोली हुई हैं ताकि लोगों को दस्तयाब किया जाए, कुर्बानी का बकरे और भेड़ू दस्तयाब किए जाएं, ताकि उनको इस सूरत हाल से ना गुजरना पड़े कि कहीं बकरे या भेड़ अवेलेबल नहीं है। इंटरनेट और दूसरी संचार सेवाएं फिलहाल बंद हैं, लिहाजा पब्लिक टेलीफोन बूथ लगाए गए हैं ताकि त्योहार के मौके पर लोग अपने रिश्तेदारों की मिजाज पुरसी कर सकें। इतना ही नहीं, लोगों तक उनके रोजमर्रे की जरूरत की चीजें पहुंच सकें, इसके लिए भी प्रशासन की ओर से इंतजाम किए गए हैं। सामानों की डिलीवरी घरों तक कराई जा रही है ताकि वो वहाँ पे लोग जाएं और वहाँ पे जहाँ बात करनी है तो वहाँ पे अपना पैगाम पहुँचा सकें, सो दैट दे गेट टू नो अबाउट देयर रिलेशंस, द वेलबींग ऑफ देयर रिलेशंस, ताकि उनको बता सकें, सारी चीजें उन तक पहुँचा सकें। शांति में कोई बाधा ना पहुंचा पाए, साजिशों में कामयाब ना हो पाए,
इसके लिए कश्मीर में सुरक्षा भी चाक चौबंद है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अफवाह फैलाने से बाज नहीं आ रहे। उन्हें कश्मीर का ये अमन और सुकून पसंद नहीं। अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए जम्मू और कश्मीर घाटी की अलग ही तस्वीर पेश की जा रही है। हकीकत से उलट अलग ही फसाने गढ़े जा रहे हैं। हम लोग बिल्कुल इतना एक तरह से समझिए कि रेशमी दास्तानों से डील कर रहे हैं लोगों को। किसी तरह का ना लोगों ने कहीं उस तरह का प्रोटेस्ट किया। एक आध जगह नमाज पढ़ के जब भीड़ निकलती है तो उसका फोटो करके आप कह दें कि ये साहब वो जुलूस निकल रहा है। जुमे की नमाज की जो भीड़ निकलती है उसका फोटो करके बीबीसी वाले ने कह दिया कि प्रोटेस्ट। पांच आदमी उसमें अगर नारा लगा दें तो सारा क्राउड प्रोटेस्ट का थोड़ा ना हो जाता है। तो कहीं कुछ नहीं हुआ, गोली चलाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, कहीं डंडा किसी को नहीं मारा गया है। ईद की तैयारी पूरी है अच्छे से और शांति से आज यहाँ ईद मनाई जाएगी। सरकार के पास 2 महीने का राशन स्टॉक है, 25 दिन का पेट्रोल डीजल का स्टॉक है, 60 दिन का किरोसिन स्टॉक है। 1600 कर्मचारी सफाई में लगे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में 10,000 कर्मचारी लोगों की मदद में तैनात हैं। बैंक भी खुले हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में टेलीफोन की फ्री लाइन लगाई गई है। लगभग 500 लोग रोजाना फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब भला बताइए कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हिंसा कहाँ है। घाटी के लोग सरकार के फैसले से खुश हैं। ये बात और है कि ईद पर घाटी की ये गुलजार तस्वीरें देखकर पाकिस्तान और उसके हमदर्द बेचैन जरूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुल्क की मस्जिद